स्मृति ईरानी यूपी से सांसद चुन के आई है, ठीक है। और यूपी से सांसद चुनने के बाद तो यूपी में जितनी घटनाएं हुई हैं, सर्वाधिक घटनाएं महिलाओं के साथ यूपी में हुई हैं। मैं पहले भी उनकी रैली के पहले भी बताया था आपको, सर्किट हाउस में ध्यान होगा कि जिस प्रकार से मंत्री के सुपुत्र ने लोगों को कुचल दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हुआ, महिलाओं की घटनाएं काफ़ी संख्या में यूपी में हुई। तो पहले स्मृति ईरानी को यूपी की चिंता करनी चाहिए, और यहाँ पे व्यक्तित्व की कमी है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए स्मृति ईरानी को बुला के यहाँ प्रदर्शन कराया गया। यहाँ मैं साफ करूंगी, ए फॉर अमेठी, और बी फॉर बिलासपुर आई हूँ, हाँ, सी फॉर छत्तीसगढ़ की बारी है। तो छत्तीसगढ़ में फिर पूरे 90 विधानसभा घूमना चाहिए उसको, और अगला चुनाव यही से लड़ ले छोड़ के। अगर उसको ज्यादा छत्तीसगढ़ की चिंता है तो स्मृति ईरानी अगला चुनाव छत्तीसगढ़ से लड़े। फिर पहले वो यूपी गई है, यूपी में चुनाव हारी भी है वो, इसको थोड़ी बोली होगी नहीं। हाँ, तो इसलिए जो है पहले जो छत्तीसगढ़ अमेठी की बात कर रही है, फिर बिलासपुर की बात कर रही है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर रही है। तो स्मृति ईरानी से कहें कि यूपी में उसका वजूद खत्म हो चुका है, और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में दौरा करे, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या बहुत ही सीमित है। तो आने वाले चुनाव में जो स्थिति होने वाली है, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ में दौरा करना चाहिए। ये 2000 मान सम्मान करे या न करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है, कांग्रेस वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। जोगी पार्टी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, जोगी पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आपका मरवाही में किया था, मरवाही में क्या स्थिति हुई थी आपको मालूम है, इसलिए समर्थन कर रहे हैं उसका स्वागत है, क्योंकि उनका अपने उन्होंने उस परिवार से अपने पारिवारिक संबंध बताए हैं, ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन उसकी नहीं भी अगर वो समर्थन करते तो भी हमारी पार्टी कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। शिकायतें आ रही है, देखिए शिकायतें आना एक अलग बात है, धान खरीदी की जो व्यवस्था अभी सरकार ने की है, हर साल से बेहतर व्यवस्था हुई है, और धान खरीदी के लिए पहले सब चिल्लाते थे कि वो 1 तारीख से शुरू होना चाहिए, तो 1 तारीख से धान खरीदी शुरुआत की गई है। स्टार्टिंग में धान बहुत कम आया, लेकिन उसके बाद भी शुरू कर दिया गया था। धान खरीदी केंद्रों की संख्या भी काफ़ी बढ़ाई गई है। इस प्रकार से किसी प्रकार की जो शिकायतें अगर आती है छोटी मोटी, उनका समाधान कर लिया जाता है, लेकिन धान खरीदी बहुत सुचारू रूप से हो रही है। चुनाव में हम लोग लगे हैं, अभी हिमाचल की वोटिंग हुई है, और अभी जब छत्तीसगढ़ का जब समय आएगा तो उस समय उसके बाद ऐसा मीडिया और जानकारों से पता चल रहा है कि गुजरात में जो है वो आप जो है वो ज्यादा तेजी से है विपक्ष पार्टी, आप पार्टी वहाँ कैंडिडेट ढंग से नहीं खोज पा रही है। आप पार्टी का कोई भी आप देख लीजिएगा, 8 दिसंबर को अपन चर्चा करेंगे, आप पार्टी को गुजरात में 1 भी सीट नहीं मिलेगी, कोई विधायक चुन के नहीं आएगा। क्या स्थिति होगी कांग्रेस की वहाँ? कांग्रेस की स्थिति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है, और आप पार्टी का मैंने बता दिया 0 रहेगा।